शैलेश जी, आप देख पा रहे हैं कि वहाँ से जो तेल निकल रहा है सीधा यहाँ से फिल्टर होके सीधा एक ही बार में डबल क्लॉथ लगे डबल फिल्टर होके सीधा तेल आ रहा है, और ये तेल के अंदर हल्का सा भी आपको मतलब कचरा नहीं दिखेगा, एकदम साफ़ सुथरा तेल मिलेगा, जैसे बोतल में हम बाहर से बाज़ार से लाते वैसा ही तेल मिलेगा साफ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों बिज़नेस कैसे करें मैं आपको तरह तरह के बिज़नेस आइडियाज़ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ। दोस्तों आज कोल्ड प्रेस्ड ऑर्गेनिक ऑयल हर घर में इस्तेमाल होता है, तो जो अगर आप कमर्शियल ऑयल्स मशीन लगाकर अपना लघु उद्योग सेटअप करना चाहते हैं, कोल्ड प्रेस्ड ऑर्गेनिक ऑयल अपने कस्टमर्स को सप्लाई कर बहुत अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं, कम से कम 50,000 से लेकर 75,000 रुपये की घर बैठे आमदनी करना चाहते हैं, तो ये बिज़नेस आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बिज़नेस है। आप अपने गांव, कस्बों या शहर में रहते हुए ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, बहुत कम स्पेस से बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट के साथ इस बिज़नेस को शुरू करके आप ना सिर्फ लोगों को अच्छी सेहत दे सकते हैं बल्कि आप पूरे शहर में अपना नाम स्थापित कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस आइडिया, बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, एंड तक देखना। और अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो आप इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे आपके साथ साथ किसी और को भी अच्छा रोज़गार अच्छा कारोबार मिल सके। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों अगर आप बिज़नेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, घर मीलों दूर हो जो मंजिल, पहला कदम उठाना ज़रूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिज़नेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलते हैं नए नए बिज़नेस आइडियाज़, इनोवेशन, बिज़नेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं घंटा बजाकर बिज़नेस कैसे करें का सुहाना सफ़र। दोस्तों आज हर व्यक्ति शुद्ध खाना चाहता है, खाने में शुद्ध तेलों का इस्तेमाल करना चाहता है, तो अगर आप शुद्ध खाने के तेल का व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपको मशीनों की आवश्यकता होती है। तो दो तरह की मशीन्स होती हैं, एक आप अपने घर में लगाकर प्योर ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और दूसरी थोड़ी कमर्शियल लेवल की मशीनें होती हैं जिससे आप अपना कोई भी लघु उद्योग लगाकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो किस तरह से आप ये छोटा लघु उद्योग बहुत कम निवेश के साथ शुरू कर सकते हैं, सारी जानकारी देने के लिए मैं पहुँच चुका हूँ गुजरात के सूरत में, शुद्धता एंटरप्राइज में हूँ और मेरे साथ मौजूद है उनके ओनर मिस्टर वीरल। वीरल भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है आपका भी। वीरल भाई मेरे दोस्तों के लिए बताइए कि किस तरह से कोई अपना ये लघु उद्योग शुरू कर सकता है अगर वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करके लोगों को शुद्ध खाना मुहैया कराना चाहते हैं तो? एक कम से कम प्राइस में छोटे से बजट के अंदर हमें बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास बिजनेस के लिए मशीन 55,000 से लेके 1.5 लाख तक की मशीन है, तो आप उसके अंदर अपने घर पे ही बिजनेस स्टार्ट कर सकते। छोटी सी मशीन है आप देख रहे हैं जी, आप ऊपर से दाना डालते तुरंत नीचे आके एक ही बार में पूरा ठंडा तेल निकाल के आपको ये मशीन दे देगी। कोल्ड प्रेस ऑर्गेनिक ऑयल, कोल्ड प्रेस ऑर्गेनिक ऑयल, वेरी नाइस। तो इसमें क्या मुनाफे होंगे अगर दोस्त ये व्यवसाय करते हैं तो? अगर आप मुनाफे की बात करें तो पीसाई में आप 10 से 15 रुपए के आसपास 1 kg के दाने के जनरली चलते हैं, उस हिसाब से आप उसके 15 रुपए या 10 या 15 रुपए 1 kg क्रशिंग के आप पैसे ले सकते हैं। एक घंटे के अंदर ये जैसे छोटी मशीन है तो ये 2 यूनिट से लेके 3.5-4 यूनिट तक की बिजली लेती है मशीन की कैपेसिटी वाइज, ठीक है। तो उस हिसाब से उसमें देखा जाए तो ये 1 घंटे में 20 रुपये से लेके 40 रुपये, मोटा मोटे पकड़ ले 40 रुपये तक का आपकी बिजली की खपत होगी। तो 40 रुपये में आप बात करें अगर सबसे बड़े मशीन की तो 1 घंटे में उसकी 35 से 40 kg की कैपेसिटी है। अगर हम 10 रुपये का भी जोड़ते तो 300 रुपये 1 घंटे में कमाई कर सकते हैं। ओके, तो मतलब अगर 8 घंटा चलाएंगे तो लगभग 2,500 रुपये के आसपास हाँ कमाई आमदनी हो जाएगी, आमदनी हो जाएगी। तो यानी कि अगर आप दोस्तों 30 दिन काम करते हैं तो ये बहुत अच्छा मुनाफा आपको दे सकती है मशीन। मैं समझता हूँ आप इस बिज़नेस के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहेंगे, तो मैं सबसे पहले तो चाहूँगा वीरल भाई कि आप अपनी मशीनों का डेमो दें, क्या आप दे सकते हैं? हाँ मैं आपको मशीन की डेमो देता हूँ।
शैलेश जी, ये 4250 वाट की जो मशीन है जो हमने अभी फिल्टर अटैच किया, ठीक है, अब इसके अंदर हम सरसों का तेल निकालते हैं। भैया इसको मशीन को स्टार्ट कीजिए। अभी आप देख रहे हैं, एक खल यहाँ से हमारी आ रही है, तेल यहाँ से आ रहा है और यहाँ से सीधा तेल होके सीधा फिल्टरेशन में जाएगा। फिल्टर अभी धीरे धीरे करके तेल बाहर निकालना चालू कर देगी। क्या कैपेसिटी है इसकी? इसकी ये मशीन की कैपेसिटी है 35 से 40 kg की, सरसों की 40 kg के आसपास आती है कैपेसिटी। बाकी अन्य सीट जैसे बड़े दाने होते हैं तो 35 kg की कैपेसिटी आती है, जैसे दाने छोटे हैं तो 40 तक जाती है कैपेसिटी। तो मतलब इसका 35 से 40 kg की कैपेसिटी है। इसके क्या ऑयल निकलता है? 30 दाने में सर तेल होगा, सबका निकलेगा ये मशीन के अंदर तेल। जैसे मूंगफली है, तिल है, सरसों है, सोयाबीन है, जो कोई भी दाना हो इसका चाहे उसका तेल आप निकाल सकते हैं। मिर्ची का तेल भी निकला है? हाँ निकलेगा। ये देखिए एकदम ही ठंडा तेल निकल रहा है, रूम टेम्परेचर से केवल 15 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा है। और जो खल आ रही है खल में भी तेल नहीं रहता है, मुश्किल से 2 से 3% के आसपास तेल रहता है, बाकी ज़्यादा तेल नहीं रहता है। प्लग एंड प्ले मशीन है? हाँ ये प्लग एंड प्ले मशीन है। अभी इसको मशीन पर केवल बस दाने डालते जाइए और तेल निकलता जाएगा, अपने आप फिल्टर होता जाएगा। तो आप जैसे अगर सरसों का तेल निकाला है उसके बाद में अगर हमें किसी मूंगफली का तेल निकालना है तो क्या कुछ चेंज करना पड़ता है? ना वैसे मशीन में कोई चेंज नहीं करना पड़ता है, पर उसके हिसाब से टेम्परेचर आपको एक सेट करना पड़ेगा और प्रेशर सेट करना पड़ेगा, बाकी इसमें कोई सफाई करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर आप मशीन बंद करते हैं उसको थोड़े एक आधे घंटे घंटे के बाद चालू करते हैं तो उसकी सफाई ज़रूरी है, वरना उसको सफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मशीन का वेट है 120 kg और फिल्टर का करीबन 30 kg के आसपास है, तो एक 150 kg के आसपास दोनों का वेट होगा। मैं बस दाने डालते जाइए तेल निकालते जाइए, बस और कुछ प्रोसेस नहीं है। प्लग एंड प्ले मशीन है? प्लग एंड प्ले मशीन है, एक ही बार में पूरा तेल निकल जाएगा। तो अब दूसरी मशीन का देखें हम? हाँ ठीक है, हम दूसरी मशीन का डेमो दिखाते हैं। शैलेश जी ये 2000 वाट की मशीन है, इसकी कैपेसिटी 15 से 20 kg की कैपेसिटी है। आप देख सकते हैं इसमें जो खल आ रही है खल में बिल्कुल ही तेल नहीं है, खल आप देखेंगे एकदम ड्राई है और जो तेल निकल रहा है वो भी ठंडा है। और वो ये मशीन आपको एक ही बार में पूरा तेल निकाल के दे देगी। कोई भी छोटा बिजनेस शुरू करना चाहता है तो ये केवल 75,000 प्लस GST की मशीन है, कोई भी अपने घर पे कहीं पे भी ये लगा के इसको चला के चालू कर इसको दिखा सकते तेल निकाल के। और इसके अंदर कम से कम ये एक घंटे के अंदर ये 15 मूँगफली अगर 15 kg की कैपेसिटी आती है मूँगफली की, तो आप मूँगफली के हिसाब से अगर 15 रुपये भी गिनती करते हैं और 10 रुपये की भी गिनती करते हैं तो एक घंटे के अंदर ये आपको 150 रुपये कमा के देगी ये मशीन। दोस्तों मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ कि कोल्ड प्रेस ऑर्गेनिक ऑयल अगर आप निकाल के एक छोटा सा लघु उद्योग शुरू करना चाहते हैं तो इतनी सी जगह में मतलब आप ये सेटअप कर सकते हैं। ये सिंगल फेज मशीन है? हाँ ये सिंगल फेज मशीन है और मेरे पास इसमें 3 फेज भी है, सिंगल फेज भी है। अच्छा तो इसके साथ फिल्टर अटैच हो जाएगा? हाँ इसके साथ जैसे आपने अभी मैंने बड़ी मशीन की दिखाई ना अटैच की हुई, उसी तरह इसमें भी अटैच हो जाती है फिल्टर। एक तरह से हम फिल्टर लगा के फिल्टर्ड ऑयल निकाल के हम अपनी बॉटलिंग करके हम बाकायदा उसकी अपने ब्रांड में उसको सेल कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट या इस तरह की जो भी हैं और सोशल मीडिया पे
डिजिटल मीडिया पे। सबसे बड़ी बात तो है कि आप इसको आंखों के सामने किसी को निकाल के देना चाहे तो भी दिखा सकते हैं, क्योंकि आजकल तो शुद्ध खाने का किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं है। ये इसमें तो क्या है, छोटी सी मशीन है, ऊपर से दाने डालो मिक्सी की जूसर मशीन की तरह और तेल निकल जाएगा, खल अलग हो जाएगी। दोस्तों लाइव ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन, मैं समझता हूँ कि लाइव ऑयल निकालिए उनकी आंखों के सामने और आप उनको दीजिए। मैं समझता हूँ इससे बेहतर कोई बिजनेस हो नहीं सकता जहाँ पे 100% शुद्ध ऑयल, मतलब शुद्धता की कसौटी पे एकदम खरा 100% कोल्ड प्रेस ऑर्गेनिक ऑयल। मैं समझता हूँ कि लोग भागे भागे आपके आएंगे, आप ज़रूर इस बिज़नेस के बारे में सोचिए। तो जैसे यहाँ पे ये फिल्टर अटैच हुआ है, उसी तरह से यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं ये दूसरी बड़ी मशीन है आपकी। हाँ, तो यहाँ पे ये फिल्टर जो है, ये प्लेट्स होती है इनमें? हाँ, ये प्लेट्स होती है। ओके, तो ज़्यादा प्लेट्स होंगी तो मतलब ज़्यादा कैपेसिटी होगी, फिल्टर की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब ये फिल्टर की, ये 14 प्लेट की फिल्टर मशीन है, तो उसके इसकी कैपेसिटी 1 घंटे में 24 लीटर फिल्ट्रेशन करने की कैपेसिटी है। इससे छोटी फिर 12 प्लेट की आती है, वो 18 से 20 लीटर 1 घंटे में आपको फिल्ट्रेशन कर देगी। फिर इससे छोटी 9 प्लेट की आती है, वो 1 घंटे के अंदर 12 से लेकर 15 kg तक की फिल्ट्रेशन कर सकती है। और ये जो खल है, ये खल भी आपकी मार्केट में सेल हो जाती है? हाँ, ये भी अच्छे सेल हो जाती है। ये जानवर भी खाते हैं, सरसों के ऑयल का है, अगर बादाम का है तो आप खाने में हम आप खा सकते हैं, उसमें क्या है। मतलब इतना ज़बरदस्त है कि आप देखिए कि मेरे को भी लग नहीं रहा कि ऑयल, बिल्कुल भी ऑयल नहीं बचा एक ही बार में। हाँ, एक ही बार में मतलब बहुत अच्छा फिल्ट्रेशन हो गया है, तो बहुत ज़बरदस्त है ये। तो मतलब एक तरह से खल भी बिकेगी और हम इसमें मिर्ची का ऑयल हो, चाहे हम इसमें सरसों का हो, सरसों हो, मूंगफली हो, बादाम हो, नीम हो, मिर्च हो, जिस दाने में तेल है सबका ये मशीन तेल निकाल के देगी। बहुत बेहतरीन बिजनेस आइडिया है दोस्तों, ज़रूर इस बिज़नेस के बारे में सोचिए। तो दोस्तों आपने देखा, बीरल भाई ने आपको ये 15 से 20 kg पर आर कैपेसिटी वाली मशीन दिखाई, और वो वाली मशीन 35 से 40 kg पर आर की कैपेसिटी वाली है। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मशीन चूज़ कर सकते हैं। एक बार मेरे दोस्तों के लिए बताइए कि क्या इन्वेस्टमेंट रहेंगे अगर वो ये मशीन लगाते हैं, आपके पास कहाँ से कहाँ तक मशीनें उपलब्ध हैं? मेरे पास वैसे तो होम यूज़ से लेकर कमर्शियल यूज़ तक की मशीनें, होम यूज़ की मशीनें 12,000 प्लस GST से स्टार्ट होती है, 18,000 प्लस GST तक की होम यूज़ की मशीनें। कमर्शियल में 1500 वाट की जो मशीन स्टार्ट होती है, 55,000 प्लस GST से स्टार्ट होती है, और सबसे बड़ी मशीन 4200 वाट की है जो 1.5 लाख प्लस GST की है, और उस दोनों के बीच की रेंज की बात करूँ तो 2000 वाट की मशीन है जिसकी प्राइस है 75,000 प्लस GST। उसके अंदर जो भी होगा कस्टमर लेने के टाइम पे जो भी ऑफर होगा हम ऑफर कर देंगे उसके अंदर। ओके, और ये जो 35 से 40 kg पर आर की कैपेसिटी वाली मशीन है वो कितने की पड़ेगी? 1,50,000 प्लस GST। ओके, तो दोस्तों आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप प्राइस नेगोशिएट कर सकते हैं। मैं समझता हूँ वीरल भाई बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आपको दे सकते हैं, क्योंकि उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, तो आपको सर्विस की गारंटी वो देंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ कि आपकी सर्विस बहुत सुनिश्चित रहेगी? आप किसी को भी पूछ सकते हैं, जो मेरी मशीन चला रहा है, चाहे जितने भी लोगों का आप नंबर चाहेंगे उतने लोगों का मैं नंबर दे दूंगा। आप किसी से डायरेक्ट कस्टमर चाहे तो डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ वीरल भाई कह रहे हैं कि आप नंबर लेके कस्टमर से ही सीधा रिव्यू ले सकते हैं। तो बहरहाल मेरे दोस्तों के लिए बताइए कि ये जो मशीन है, ये इंस्टॉलेशन वगैरह, इनकी सर्विस रिपेयर वगैरह कैसे करते हैं आप? सर्विस में क्या होता है कि इंस्टॉलेशन के टाइम पे तो ये सीधा प्लग लगा के चालू हो जाती है, ठीक है, और इसके लिए हम एक वीडियो भी देते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से हम उसको चलाना सिखा देते हैं। अगर कोई किसी को अगर फिर भी नहीं मालूम पड़ता है तो हम लड़के को भी उस जगह पे भेज देते हैं। अच्छा, हाँ, तो मतलब सर्विस अगर 1 साल के बाद भी चाहिए हो तो भी मिलेगी सर, चाहे जितने मशीन आप 5 साल 10 साल जहाँ तक आप मशीन चलाएंगे तब तक मेरी सर्विस मिलेगी। और इसके पार्ट्स वगैरह सारे इंडियन, ये पूरी मशीन मेरी फैक्ट्री में इन हाउस बनी हुई है, जिसके अंदर मोटर भी कमर्शियल में हम स्टैंडर्ड गोदरेज या हेवल्स क्रॉम्पटन इस तरह की मोटर यूज़ करते हैं, तो सर्विस भी आपको हर जगह पे मिल जाएगी और हमारी तरफ से भी आपको सारी सर्विस मिलेगी। तो दोस्तों ऐसा व्यवसाय है जो आपने एक बार सेटअप कर लिया, छोटा लघु उद्योग जो आप अपने छोटी सी जगह से शुरू कर सकते हैं, लेकिन पूरा शहर को आप सर्व कर सकते हैं, पूरा शहर आपके यहाँ शुद्ध तेल लेने के लिए आपके यहाँ आएगा। और मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ आपका व्यवसाय चलेगा बल्कि आपका नाम पूरे शहर में फैल जाएगा। ऐसा व्यवसाय करिए जो लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दे सके, शुद्ध खाना दे सके और लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सके। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों इस व्यापार के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरल भाई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बिजनेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा, अगर हाँ तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द मिलता हूँ, तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए और देखते रहिए यूट्यूब पर
बिजनेस कैसे करें। धन्यवाद, नमस्कार।